मुरादाबाद महानगर में भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के नाम से चौक बनवाने की मांग को लेकर कायस्थ महासंगम द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। कायस्थ महासंगम की पार्टी के जिला अध्यक्ष नवीन भटनागर के नेतृत्व में कायस्थ महासंगम के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कायस्थ समाज के इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त भगवान के नाम पर महानगर में किसी एक चौराहे का नाम भगवान चित्रगुप्त रखा जाए। अगर शासक द्वारा कायस्थ समाज की यह मांग नहीं मानी जाती तो कायस्थ समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री विजय सक्सेना, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरपी सक्सेना, चंद्रकिशोर भटनागर, अतुल सक्सेना, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश भटनागर, जिला महामंत्री विजय सक्सेना, अंकित सक्सेना, राजीव सक्सेना, शेखर भटनागर, बबलू श्रीवास्तव, कुलदीप भटनागर, राहुल सक्सेना आदि लोग मौजूद थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम लविन भटनागर है जी। मैं कायस्थ महासंगम का जिलाध्यक्ष हूँ जी। आज हम लोग डीएम साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कायस्थ हित के लिए। मुरादाबाद में देखा जाता है कई तरीके के चौक हैं, जैसे महाराणा प्रताप चौक हो गया, अन्य चौक हो गए, तो कायस्थ महासंगम ने एक कदम उठाया है कि हमारे कायस्थों के जो इष्ट देव हैं चित्रगुप्त भगवान, उनके नाम से एक चौक मुरादाबाद के अंदर होना चाहिए। तो उसी चौक को लेकर आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें तीन चौक का हमने नाम दिया है। उसमें पहला हमारा है पीलीकोटी चौराहा, दूसरा है प्रकाश नगर चौराहा और तीसरा है हनुमान मूर्ति चौक। इन तीनों में से जिस पे भी अप्रूवल हमें मिल जाता है वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर आने वाले भविष्य में चित्रगुप्त चौक बनता है तो कायस्थों के लिए एक गौरव की बात मुरादाबाद के अंदर होगी। अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो क्या क्या कदम उठाया जाएगा संगठन द्वारा? अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो हम लोग दोबारा ज्ञापन देंगे, पहले 5-6 बार ज्ञापन देंगे, जिससे कि सारे काम सरलता से हो जाएं। अगर नहीं होते हैं फिर भी तो मुरादाबाद का एक एक कायस्थ मिलकर, आज हम यहाँ पे जो 15-20 लोग दिख रहे हैं, आगे इनकी संख्या सैकड़ों में होगी, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं आगे, उसके अलावा जो आंदोलन करने का होगा वो भी करा जाएगा अगर परमिशन हम लोगों को नहीं मिली। के संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांगे लेकर आए हैं? ये भगवान चित्रगुप्त हमारे देव भगवान चित्रगुप्त जी के नाम पर मुरादाबाद में चौक बनाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। मुरादाबाद में किन किन जगहों पे चौक बनाने की मांग की जा रही है, पूरी बात बताएं। हाँ, हमने तीन चौराहों का नाम दिया है, किसी एक चौराहे पे उसका नाम भगवान चित्रगुप्त जी का नाम रखा जाए इस देव का हमारे। एक तो पीलीकोटी चौराहा है, एक हनुमान मूर्ति और एक प्रकाश नगर चौराहा। किसको ज्ञापन देंगे आज? हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे एक निवेदन करेंगे कि हमारी इस मांग को जरूर पूरा करा जाए, अन्यथा इस मुरादाबाद के कायस्थ डीएम साहब के कार्यालय पर मौजूद रहेगा।